मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 13th of September 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा करेक्शंस देखने को मिल रहा है। ये आपका 7th ऑफ सितंबर में जो हाई बनाया था, दैट इज 110.80 के आसपास, वहां से अभी है 108.20। तो पिछले चार सेशंस में अच्छा खासा एक करेक्शंस देखने को मिल रहा है। उसका दो तीन रीजन है। एक रीजन है आज यूएस सीपीआई डेटा ड्यू है। मार्केट एक्सपेक्टिंग सम बेटर सीपीआई प्रिंट देन द प्रीवियस वन, पहला वाला रीजन। दूसरा वाला रीजन, कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट सेंट्रल बैंक हॉकी स्टैंड्स, यानी द हॉकी स्टैंड्स बाय अदर देन द यूएस आर मोर हॉकीश देन द यूएस फेड एट द मोमेंट। सो इट्स अ रिलेटिव हॉकीशनेस बिटवीन फेड एंड ईसीबी, बीओई एंड अदर इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम देख रहे थे। ऐसे भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था आपका 8 सितंबर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया था, उसके नीचे फॉलो थ्रू देखना था। नेक्स्ट डे हमने फॉलो थ्रू देखा एंड फॉलो थ्रू के बाद एक अच्छा खासा मींस यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख रहे हैं। तो आज का सीपीआई क्या डेटा एज पर एक्सपेक्टेड लाइन्स आ रहा है, better than previous prints or not, that will determine after Indian market में जो evening time है, that is around 6 o'clock, उसके बाद इसका actual follow through हम को दिखना पड़ेगा। देखेंगे कि further continuations हो रहा है या bounce back कर रहे हैं। डॉलर रुपये में अच्छा खासा softness हम देख रहे हैं, जैसे कि मीन्स आपका 80.30 अच्छा खासा रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला एंड वहां से एक अच्छा खासा सॉफ्टनेस दिख रहे हैं एंड अभी है 79.28। तो आप अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखोगे डेली चार्ट में आपका 78.50 ऑन द हाई लोअर साइड एंड 80.30 ऑन द हायर साइड, यहाँ पे एक जोन बन चुका है आपका 1 रुपी 80 पैसा का। इस रेंज के अंदर में ही थोड़े टाइम के लिए इसको प्राइस को कंटिन्यू करना है एंड वो इंतजार करना है आइदर साइड ब्रेकआउट। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड 80.30 के ऊपर एंड लोअर साइड में 78.50 के नीचे, तभी जाके हमें कुछ एक ट्रेंडेड मूव मिलेगा। टिल दैट टाइम वी नीड टू वेट एंड वॉच द प्राइस एक्शंस। जीबीपी डॉलर में कल भी एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है एंड अभी है 1.1687। जैसे कि हमारा एनालिसिस था, इमीडिएट जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 1.1750 से 1.1900। ये देर बीगी के अंदर में अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मिलने का है। इसको तोड़ेगा तभी जाके एक माइनर रेजिस्टेंस आ सकता है 1.20 के आसपास एंड देयर आफ्टर 1.2250 से 1.2300। सो जब भी कोई एक अच्छा खासा डाउनफॉल डाउन मूव आता है उसके बाद जब प्राइस रिकवर करते हैं, एवरी अपटिक प्राइस फेसेस स्टिफ रेजिस्टेंसेस। जीबीपी आईएनआर में भी नीचे के तरफ सपोर्ट लेने के बाद यहां पे आपका 91.50 से 91.75 ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था। उसके बाद आपका 7th ऑफ सितंबर में एक पिन बार बनाया हुआ है एंड पिन बार का जो लोकेशन था परफेक्ट लोकेशन था, इसके हाई के ऊपर बाई करना था एंड स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 93.325 से 93.50 के बीच में। इसको अगर ओवरकम कर देते हैं देन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 94.75 से 94.85 के बीच में होगा। यूरो डॉलर में हम देखते हैं, यूरो डॉलर में भी
यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन जोन था, दैट इज आपका 1.0080 ऑन द हायर साइड एंड 198.75 ऑन द लोअर साइड। इस कंसोलिडेशन को कल कन्विंसिंगली एक ब्रेकआउट किया है, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप है। व्हाट इट मींस, प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द एंड्स। ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस मिला है, नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्शंस मिला है। अभी आने वाले दिनों में ये दोबारा इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर में आना नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर कंसोलिडेशन जोन के अंदर में आ जाता है तो फिर अगेन आपका साइडवेज चॉपी बिहेवियर इसमें दिखने को मिलेगा। एंड स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है आवरली बेसिस पे, देन वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज 1.0375 से 1.0400 की तरफ। यूरो आयनर में यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन था जो कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, लेकिन देखने वाला बात है जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, यानी प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द साइड्स, स्पेशली ऑन द हायर साइड में ज्यादा प्राइस रिजेक्शंस हुआ है। अभी इस करेंसी पेयर को दोबारा इस रेंज के नीचे आना, मीन्स कंसोलिडेशन जोन के अंदर में वापस नहीं आना है। वापस अगर इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर में आ जाता है, दैट मींस फिर दोबारा वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू ऑन बोथ द टू साइड्स। एक बार अगर इस स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर आवरली बेसिस में ट्रेड करना चालू कर देते हैं, देन हम एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस फेस होगा हायर साइड में वो होगा 81.75 से 82.25 के बीच में। डॉलर येन में भी सॉफ्टनेस दिख रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। सेल ऑफ तभी होगा, सॉफ्टनेस तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा, फर्स्ट। सेकंड, आपका RSI 14 जो है ये 60 के नीचे आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा और भी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा येन डॉलर येन पे। येन आईएनआर में नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन बना है, सम सॉर्ट ऑफ आपका W आप बोल सकते हो, लेकिन अभी W का ये बाकी है, ये हो जाएगा तब जाके आपका ये W हो जाएगा, तो अभी ये ब्रेक करना जरूरी है। व्हाट इज दैट, ये जो रेड कैंडल है आपका, रेड कैंडल का हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो आपका एक W हो जाएगा, आउटसाइड इनसाइड भी हो जाएगा। इन दैट केस द इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी एट 0.5675 से 0.5700। डॉलर कैंडी में आपका यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यूड है, हालांकि ये ट्राई किया था 1.3225 से 1.3250 को चैलेंज करने का, लेकिन फेल हुआ है। और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है एंड फॉलो थ्रू भी हो रहा है, तो और थोड़ा सॉफ्टनेस हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। डॉलर CNH में भी एकदम आप देखोगे 7 सितंबर में एक इन्वर्टेड इन्वर्ट बनाया हुआ है, followed by again one another negative small body negative candle, तो यहाँ पे एक evening star formations हो रहा था। ये evening stars and ये trend line support को भी नीचे की तरफ break कर चुका है, तो थोड़ा अभी softness यहाँ पे बरकरार होगा, लेकिन immediately means ज़्यादा sell off के लिए हम as of now हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी आपका lower high lower low formations due है। जब ये lower high lower low formations हो जाएगा तब जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेल ऑफ के लिए। अभी भी देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन की स्टार्ट से एंड तक हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा था, अभी ये एक नीचे की तरफ आया है। जब तक ये लोअर हाई एंड देन लोअर लो बना नहीं बनाता है, यानी समथिंग लाइक दिस, तब तक यहाँ पे सेल ऑफ हम थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। ब्रेंट ऑयल यूके ऑयल में हमारा एक्सपेक्टेशंस जो था ये 92.25 से 92.50 में एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता तो अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम देख सकते थे, लेकिन कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे चुका है। दैट मींस थोड़ा सा हमें और थोड़ा प्राइस एक्शंस वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वन साइडेड कोई ट्रेंडेड मूवमेंट अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। US 10-year ट्रेजरी ये आपका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में है, आपका अभी है 3.34 पे। CPI ये डेटा के ऊपर इंतजार है
और यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे नहीं आता है तब तक सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, रेदर देर आर हायर चांसेस की 3.50 की तरफ या उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। 14th सितंबर सेकेंड हाफ से आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 11 डेज। आई विल बी कमिंग बैक ऑन 25th of September। सो 15th सितंबर ऑनवर्ड्स टिल 23rd of September डेली एनालिसिस ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, बिकॉज आई विल नॉट बी हैविंग एनी एक्सेस टू एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एनी सोशल मीडिया, नथिंग। सो आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू ट्रैक द मार्केट एंड ऑल्सो नॉट हैविंग एनी एक्सेस टू एनालाइज द मार्केट। इसीलिए 15th टिल 23rd देयर विल नॉट बी एनी डेली करेंसी एनालिसिस एंड ऑल्सो वीकली एनालिसिस जो टीका टीवी में आता है वो भी नहीं रहेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगेन फ्रॉम 26th ऑनवर्ड्स आई विल रिज्यूम माई एक्टिविटीज। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।